प्रेरणा और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा, जो कि ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट होता है और ब्रेकफास्ट का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। पोहा एक ऐसी डिश है जो अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से सर्व की जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें इंदौर की, तो इंदौरी पोहा बहुत ज्यादा फेमस है और कई जगहों पर पोहे को तरी के साथ सर्व किया जाता है, जिसको तरी पोहा कहते हैं। और बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का कांदा पोहा तो हर जगह फेमस है। इसका मेन इंग्रेडिएंट कांदा ही होता है, यानी प्याज, और ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो आज हम यही सिंपल कांदा पोहा बनाने वाले हैं। तो डिटेल रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिएगा। एंड गाइज, प्लीज अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी डिले के अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। के लिए सबसे पहले हम पोहे को भिगो देंगे। तो यहाँ पर इस तरह की छलनी में मैंने ये पोहा ले लिया है। मार्केट में पोहे बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं, तो यहाँ पर मैं बारीक पोहे का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास मोटा पोहा है तो आप उसको 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लें। तो सबसे पहले हमें इसको धो लेना है अच्छे से, ताकि इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा स्टार्च हो वो भी निकल जाए और जो इम्प्योरिटीज हो वो भी पानी के साथ निकल जाए। तो एक अच्छा पोहा बनाने के लिए, खिला खिला पोहा बनाने के लिए पोहे को भिगोना बहुत ज़रूरी है। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बारीक पोहा है तो उसको सिर्फ 2 से 3 बार हम धोएं, अदरवाइज वो क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, खिला खिला नहीं बनेगा। और अगर मोटा पोहा है और उसको हम खाली 2-3 बार धो के छोड़ देंगे तो वो बहुत ड्राई लगेगा। तो अगर आपके पास मोटा पोहा है तो उसको कम से कम 4 से 5 बार अच्छे से आप वॉश कीजिए। तो अब पोहे को हमने छोड़ दिया है भीगने के लिए, और कढ़ाई में ले लिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल। जैसे ये गर्म हुआ हमने इसके अंदर ऐड किए सरसों के दाने, या फिर आप राई का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च, जिनको मैंने बीच में से तोड़ दिया है, और कुछ हरी मिर्च जिनको बीच में से हमने स्लिट कर लिया है। साथ में इसके अंदर जाएगा ढेर सारा करी पत्ता। पोहे के अंदर करी पत्ता का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको ज़रूर डालें। और इन चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पर। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये मूंगफली, और मूंगफली को भी, ये कच्ची मूंगफली है और इनको भी हमें लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। मूंगफली आप जब भी भूनें, आप उनको हाई हीट पर मत भूनिए, क्योंकि हाई हीट पर भूनने से ऊपर से तो काली हो जाती है और उनका टेस्ट बहुत कड़वा आता है। तो लो फ्लेम पर अच्छे से अगर हम इनको भूनेंगे तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मूंगफली भुनने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। ये एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है लंबा लंबा, और इसको भी हम सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक ही पकाएंगे, इसको हमें ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ आलू। आप चाहें तो बॉइल्ड आलू भी ऐड कर सकते हैं, बट इस तरह से अगर कच्चा आलू हम ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा क्रिस्पी सा हो जाता है और गल भी बहुत जल्दी जाता है। तो ये टोटली आपकी चॉइस है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक हम 2 बैचेस में डालेंगे पोहे के अंदर। थोड़ा सा हम अभी डाल रहे हैं ताकि आलू अच्छे से गल जाएँ, और बाकी का हम डालेंगे बाद में। तो अब इसको ढक के हम छोड़ देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, और अब चेक कर लेते हैं कि आलू अच्छे से गल गए हैं कि नहीं। अगर आलू गल गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गले हैं तो 2 से 3 मिनट ढककर हम और पका लेंगे इसको। तो यहाँ पे आलू हमारे गल चुके हैं, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, और इसको भी हमें अच्छे से भून लेना है। हल्दी को भूनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसका कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको भी हमने लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। और इधर हमारा पोहा भी अच्छे से भीग चुका है, और आप देख सकते हैं कि कितना खिला खिला सा पोहा ये लग रहा है। और अगर इसको मैं हल्का सा प्रेस करके देख रही हूँ तो ये अच्छे से गल भी चुका है। तो अब इस पोहे को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर इसके अंदर हम ज़्यादा पानी ऐड कर देते तो ये बिल्कुल चिपका चिपका हो जाता, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले पोहे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं।
ये पोहा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बनाने में उतना ही इजी है। तो इसको हमने सारे मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेना है। रेड चिली का हमने इसके अंदर यूज़ नहीं किया है क्योंकि उससे नेचुरल येलो कलर जो होता है पोहे का वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप खाना पसंद करते हैं लाल मिर्च तो आप लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने सारा मसाला अच्छे से पोहे के अंदर मिक्स कर लिया है और अब बचा हुआ नमक हम इस टाइम डालेंगे। अगर सारा नमक हम आलू गलाने के टाइम पर डाल देते तो क्या होता कि आलू बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाते और पोहे के अंदर वो नमक वाला टेस्ट नहीं आता, तो पोहा थोड़ा फीका लगता जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा नमक हमने आलू गलाने के टाइम पर डाल दिया और बाकी नमक हम अब डाल रहे हैं और इस नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पोहे में। और अब इस पोहे को हमें ढक कर कम से कम 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देना है। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, भाप में पोहा अच्छे से गल जाता है। और अब मैं डाल रही हूँ उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस। पोहे के अंदर हल्का सा खट्टापन अच्छा लगता है और इस लेमन जूस को भी हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है ताकि इवनली ये मिक्स हो जाए। और अब इसके अंदर हमने ऐड किया है हरा धनिया और इसको सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला सा ये पोहा बनके रेडी हुआ है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए एंड आई बिलीव अगर आप इस रेसिपी का यूज करके पोहा बनाएंगे तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा बनेगा। नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।